नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सेवन। मैं हूं शादाब मलिक। आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल फागू चौहान दोनों सदन को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार ने कोरोना पर नियंत्रण पाया है। कोरोना टीकाकरण में भी बिहार ने एक अच्छी और अहम रोल अदा की है। उन्होंने ये सारी चीज़ें गिनाते हुए सात निश्चय प्लान की भी बात की। उन्होंने बिहार विकास की भी बात की। इस बीच उन्होंने कोविड का प्रकोप बिहार में किस तरह से प्रभावी था, उसे सरकार ने नियंत्रित किया, इसे भी बताया। केंद्र से काफ़ी सहयोग मिला, राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है। गवर्नर ने इसके साथ साथ ये भी बताया कि जांच का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। बिहार में कोविड की रिकवरी रेट भी काफ़ी तेज़ है। राज्यपाल बिहार में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाए जाने की भी बात उन्होंने की। और बिहार में शराबबंदी को किस तरह से लागू किया गया, सरकार ने शराब पर किस तरह से अपना कंट्रोल किया और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई है, इन सारी बातों को राज्यपाल ने गिनाया है। उन्होंने लोक सेवा अधिकार के आज सभी लाभुकों को लाभ मिले, इसकी भी बात की। साथ ही युवाओं के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। युवाओं के लिए युवा कौशल कार्यक्रम चलाए जाने की भी उन्होंने बात की और कहा कि ये आगे भी चलता रहेगा। वहीं रोजगार को लेकर भी उन्होंने सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही है और रोजगार के क्षेत्र में आगे भी और अच्छा काम करेगी। साथ ही सात निश्चय के तहत उन्होंने खेत में पानी और सभी वार्डों में सोलर लाइट की बात कही और युवाओं को रोजगार पर फोकस किया। बेहतर सड़क बनाने की भी बात राज्यपाल ने की है और कई सारी सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई है। साथ ही ये भी कहा कि बिहार में विकास तभी संभव है जब हम सब साथ होकर चलेंगे। खासकर उन्होंने ये भी कहा कि सदन के सारे सदस्यों का साथ होना ये बिहार के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और भी कई बातें हैं जो अभी वो लगातार बोल रहे हैं और बिहार में दोनों सदन को, बिहार विधानसभा के दोनों सदन को वो संबोधित कर रहे हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। Facebook पेज को लाइक करना भी ना भूलें। नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों को आलोक में 109 नई नगर पंचायतों एवं 8 नगर परिषदों में गठन में अतिरिक्त 32 पुरानी नगर पंचायतों को नगर परिषद में उत्क्रमित करने तथा 5 पुरानी नगर परिषदों को नगर निगम के उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया है। पटना में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य तेजी से कराया जा रहा है तथा इसके सितंबर 2024 तक पूर्ण किए जाने की लक्ष्य है। राज्य सरकार बिहार में उद्योगों के विकास के लिए तत्पर है। राज्य में औद्योगिक विकास एवं रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु नई संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 लागू की गई है। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों एवं काष्ठ आधारित उद्योगों का प्रोत्साहन देने हेतु नई नीति बनाई गई है जिसके तहत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों से प्राथमिक एवं अति प्राथमिक क्षेत्रों में नए उद्योग लगाने की सहायता मिलेगी। सरकार के इन प्रयासों से जहाँ एक ओर राज्य के आर्थिक विकास को बल मिलेगा वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कोरोना वायरस के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में इच्छुक बिहारी श्रमिक बिहार वापस लौटे। अन्य राज्यों के वापस आए मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई तथा इच्छुक लोगों को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। जिला औद्योगिक नव परिवर्तन योजना के अंतर्गत सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियों पर प्रारंभ की गई है। कई उत्पादों को बिहार और देश के बाहर भी निर्यात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार के लोक उपक्रमों की मदद से प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। इन प्रयासों के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सेवाओं को ऑनलाइन एवं करते हुए अब वाहन के निबंधन कार्ड एवं चालक अनुज्ञप्य कार्ड वाहन के क्रेता को स्पीड पोस्ट द्वारा उनके आवासीय पते पर प्रेषित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन पर योजना के अंतर्गत अब प्रत्येक पंचायत के 4 अनुसूचित जात जनजात को तथा 3 अति पिछड़े वर्ग के अर्थात कुल 7 लाभुकों को वाहन की खरीद का 50% अधिकतम 1,00,000 रुपए का अनुदान के रूप में भुगतान किया जा रहा है। पटना में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राज्य में 25 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। इस वर्ष बिहार में पंचायत चुनाव शीघ्र ही होने वाले हैं। राज्य के सभी 38 जिलों में मुख्यालय में जिला पंचायत पर विचार केंद्र स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस व्यवस्था से त्रिस्तरीय पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण की सतत व्यवस्था सुनिश्चित हो पाएगी। गत वर्ष बाढ़ प्रभावित परिवार को प्रति परिवार 6,000 रुपये की दर से कुल 22,58,626 परिवारों को कुल 1,365 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों हेतु कृषि इनपुट अनुदान के अंतर्गत कृषि विभाग को 945,92,00,000 रुपए का आवंटित किए गए हैं। बिहार राज्य में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। इन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता का बढ़ाने एवं इनकी निगरानी करने के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करते हुए भागलपुर में बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। प्रवासी पक्षियों में अन्य पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार का प्रथम राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कलरव दिनांक 15 से 17 जनवरी 2021 को जमुई जिले के नागी पक्षी आफरणी में आयोजित किया गया। इससे बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया तथा देश के विभिन्न हिस्सों में पक्षी विशेषज्ञों ने पक्षियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई। साथ ही यह पक्षी सचेतना केंद्र का शुभारंभ भी कराया गया। राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए पूरी तरह विकृत संकल्पित पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। इस पर मिशन मोड में काम हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान अंतर्गत अद्यतन अतिक्रमित जल संचरण संरचनाओं में से 15,733 संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 7,132 तालाबों एवं पोखरों को 5,574 सार्वजनिक आहारों को 10,023 सार्वजनिक पानियों को 11,544 शहरी साइकिल प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही कार्य पूर्ण किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,65,537 सार्वजनिक कुओं एवं चापाकलों के किनारे सोखता निर्माण तथा अन्य जल संरचनाओं का निर्माण कार्य किया गया है। छोटी छोटी नदियों के नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल चलाई गई हैं। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। 5,082 पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है तथा शेष 3,304 पंचायतों में भी कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू हो गई है। बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं सुगमतापूर्वक समाज के अंतिम पावदान तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। आम जन